ठीक है, चल रिकॉर्डिंग में स्टार्ट कर दी है, क्लोज कर देते हैं इसको। यस, किसी है क्वेश्चन में डाउट तो आप प्लीज पूछ सकते हो। कल हमने जो पढ़ा था उसमें, लास्ट वीक हमने जो पढ़ा था उसमें कोई डाउट हो वो आप पूछ सकते हो, या जो मैंने आपको होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 12 तक। यस, क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को डाउट है बताती चलिए मुझे। एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 4? नो सर। यस, अगर किसी को डाउट है तो जीरो प्रेस कर दो फटाफट, नहीं तो हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जीरो प्रेस, प्रेस जीरो। अगर 4 में किसी को डाउट नहीं, किसी को डाउट है तो जीरो प्रेस करो, अगर डाउट है तो जीरो प्रेस करो, नो डाउट। चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, किसी को डाउट है तो प्रेस जीरो। क्वेश्चन 5, अगर किसी को डाउट है तो प्लीज प्रेस जीरो। देखो मौका है पूछने का, नहीं आता तो पक्का पूछना, फिर मत कहना सर ने मौका नहीं दिया पूछने का, बाकी स्टूडेंट गवाह है देखो कि मैं मौका दे रहा हूँ पूछने के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट अथर्व, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 का डाउट है, 6 का डाउट है, ये तुमने जो जीरो दबाया है ये क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। Can you please tell how to find displacement in question number 5? इसमें आपको दिया displacement निकालने के लिए, my dear Athar, आपको इसमें displacement पूछा है। बताइए आपका इसमें displacement पूछा से नहीं पूछा, आपसे केवल speed पूछा है। अब और दूसरा कैसा है, गाड़ी यहां से चली, गाड़ी यहां से चली ए पॉइंट से और बी पॉइंट पे चली गई, अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है, कोई टर्न नहीं है, कोई मोड नहीं है, तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। आपका स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी होगा, बस इतना ही करना है, ठीक है। इसमें डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, गॉट इट। जब गाड़ी स्ट्रेट लाइन में चलती है, कोई टर्न नहीं होता, इसका मतलब डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, 6 में किसी को डाउट तो प्रेस जीरो। एनी डाउट क्वेश्चन नंबर 6, प्रेस जीरो, और अगर डाउट है तो नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 7, एनी डाउट क्वेश्चन नंबर 7, प्रेस जीरो, नो डाउट, गुड। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, एनी डाउट प्रेस जीरो। क्वेश्चन नंबर 9, एनी डाउट प्रेस जीरो। अथर्व, ये तुम्हारा कौन से क्वेश्चन के लिए है? अथर्व, ये तुम्हारा कौन से क्वेश्चन के लिए है? अथर्व आप मेंशन किया करो, तो आप अनम्यूट करके मेरे को बताओ, क्योंकि आपसे मुझे बार बार पूछना पड़ता है, ठीक है। या तो आप माइक यूज करो, क्योंकि आप 110 करते तो समझ में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर लिखो, आपको इसमें क्या डाउट है पूछिए, अनम्यूट करके पूछो आपको इसमें क्या डाउट है, जल्दी सर। सर अबाउट सर, कैन यू सॉल्व वंस? नहीं, आपका डाउट क्या है? मुझे डाउट समझ लेना चाहता, डाउट क्या है? जब मुझे डाउट पता लगेगा तो मुझे समझाएंगे, मुझे आपको समझा रहा क्या है? सर सर आई हैव डाउट इन कैलकुलेशन। कौन सा कैलकुलेशन? सर फाइंडिंग एवरेज स्पीड। क्यों, एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है बताइए, एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है, ठीक है। तो सर वी कैन डू दैट, जब मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गया, हाँ बिल्कुल कर सकते
डायरेक्टली नहीं करना है ना, डायरेक्टली करोगे तो मत खा जाओगे कई बार, उसको डायरेक्टली नहीं करना। जब ए से बी पे गए तो आपने कितना किलोमीटर आपने ट्रेवल किया, 30 किलोमीटर, कितनी देर में, 1 आवर में, यानी 30 किलोमीटर पर आवर बनाया तो 45 किलोमीटर। अब डिस्टेंस चेंज हो गया इन 1 आवर, इसका मतलब मैं कहीं आगे चला गया सी पॉइंट पे। तो पहले केस में डिस्टेंस ये है, दूसरे केस में डिस्टेंस ये है, तो आपका 30 + 45 = 1 + 1 = 75/2 समथिंग वैसा आना चाहिए। तो इसमें आंसर कुछ गड़बड़ है, कितना हो गया आपका 375.5 किलोमीटर, ये आपका एवरेज स्पीड आएगा। अब इसने कैसा किया है, 30 + इसमें कुछ गड़बड़ है। सबका यही आया था, ये सबका 36 आया है। No sir, my also 37.5 was coming, so I asked that doubt. क्या मैंने सही किया गलत किया? Yes, yes. हमने इसमें गलती किया ना, हमने वही गलती किया जो अथर्व में किया है ना, हमने इसमें वही गलती किया जो अथर्व में किया है। अथर्व आपने ऐसे ही किया था ना, है ना अथर्व? Yes sir. आपने इसको ऐसे किया था ना। अभी देखो यहाँ पर इसने आपको एक कैच वर्ड कह दिया, ये ट्रेवल सम डिस्टेंस, ये इसका कैचिंग वर्ड है, ठीक है, और ये इसका स्पीड है। उसने आपको डिस्टेंस भी कंफर्म नहीं किया, ना उसने आपको टाइम कंफर्म किया, ये याद रख। ये होते उलझाने वाले क्वेश्चन। हमको सीधा सीधा क्या दिखाई देगा, मैं ए से बी पे गया 30 किलोमीटर पर आवर से, बी से वापिस आया 45 किलोमीटर पर आवर से, उसने आपको उलझा दिया और आपने ऐसा कर दिया कि एवरेज स्पीड ऐसे निकल, ठीक है। अब ये डिस्टेंस और टाइम कब यूज करते हैं, ये तब यूज करते हैं हमको क्लियरली पता है कि डिस्टेंस कितना और टाइम कितना, ये तभी यूज किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ, इस क्वेश्चन मुझे पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, जब मैं डिस्टेंस निकालूंगा तभी मेरा क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसलिए जैसे टेढ़े-मेढ़े क्वेश्चन आते हैं इसलिए उनको सीख लेने का। ओके, अब देखो फर्स्ट केस की बात करते हैं। केस वन, हमको उसने क्या दिया, स्पीड दिया है, स्पीड इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब टाइम यहां पर कितना है, 1 आवर है। मेरा डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, व्हाट इज डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस मेरा क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, ठीक बात है। आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, एकदम आप एकदम शांत बैठे हो सब लोग। यस सर, ये समझो मैं यहां से गया और यहां पर आया, और यहां तो मेरी जाने में स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। मुझे डिस्टेंस नहीं पता कि ये भी डिस्टेंस कितना है, मैं अपना यहाँ डिस्टेंस डी वन लिखूंगा, वट इज माई डी वन, स्पीड 1 × t1। ये टी वन भी मुझे नहीं पता, पता है नहीं पता, उसने कहा आप किसी आपसे स्पीड से चल रहे हो, आपको टी वन भी नहीं पता, ठीक है। तो मेरा डी वन इक्वल टू s1 × t1, आपको सिर्फ s1 पता है, और दूसरा आपका d2 भी आपका s2 × t2, आपको यहां भी टाइम नहीं पता, आपको यहां कुछ नहीं पता। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, d1 + d2 / t1 + t2, यही होगा मेरा एवरेज स्पीड। हमको ये फॉर्मूला पक्का पाता कि डिस्टेंस 1 + distance 2 / t1 + t2, ठीक है। अब इसने यहां पर क्या दिया, d1 हमारा कितना होगा s1 × t1, और d2 क्या होगा, s2 × t2। S1 हो मेरा हो गया 30 t1 + दूसरा 40, कितना है दूसरा, 45 t2 / t1 + t2। इसमें और कुछ मिसिंग है डाटा,
say train travel some distance with this and return with speed this. Yes. इस चीज़ जो उन्होंने हमको दी, इसने हमको क्या चीज़ दिया है? उसने कहा है d1 equal to d2, उसने हमको दिया है. कैसे दिया है? एक ट्रेन डिस्टेंस ट्रेवल के सेम डिस्टेंस वो इस स्पीड से गई, वो ए से बी पे गई इस स्पीड से, वापिस आई 45 किलोमीटर पर आवर. उसने अपना स्पीड चेंज किया, वो ए से बी गई है, पहले केस में बी से बी गई है, दूसरे में बी से ए पर आई है, उसने केवल अपना स्पीड चेंज किया है. इसका मतलब d1 equal to d2. ओके. अच्छा, इसमें एक पार्ट और करना पड़ेगा अपने को, इसको हमको चेंज करना पड़ेगा उसकी फॉर्म में. एक मिनट रुको. t1 equal to d1 upon s1 and t2 equal to d2 upon s2. दोनों का डिस्टेंस सेम है तो आपका t1 equal to p1 is equal to. यस, एक सेकंड रुको. s1 into t1. ठीक है, ये दोनों d1 और d2 इक्वल टू क्या ले लिया? d, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस क्या है? अब यहां पर पुट करें एवरेज स्पीड. तो d हमको पता है, d1 और d1 है, तो इसको क्या लिखते हैं? d plus d. ये t1 इक्वल टू क्या है? ये d upon 30. तो d upon 30. t2 क्या है? d upon 45. अब इसको सॉल्व करेंगे. एक बार इसको वापस समझा देता हूं, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था. इसमें कैचिंग वर्ड था सम डिस्टेंस. ना यहाँ पर आपको डिस्टेंस पता है, ना यहाँ पर आपको टाइम पता है. उसने आपको यहाँ कुछ नहीं दिया, उसने आपको सिर्फ क्या दिया है? दो स्पीड आपको दे दिए और कहा अब आप निकाल लो. आपसे मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ. ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट है. मैं यहाँ से फर्स्ट ऐसे गया, ए से बी की तरफ गया ऐसा, तब मेरा स्पीड था 30 किलोमीटर पर आवर. आपको केवल स्पीड दिया था, ये मेरा हो गया स्पीड वन, वी वन. जब मैं वापस आया तो मेरा स्पीड चेंज हो गया, जब मैं इस तरफ आया इस डायरेक्शन, तब मेरा वी टू है 45 किलोमीटर पर आवर. इसमें ए बी को ले लेता हूं डी, कि उसके डिस्टेंस डी लगा. और टाइम फॉर ए बी, जब ए से बी पे गया तो टाइम कितना लगा? टी वन. टाइम फॉर डिस्टेंस बी टू ए, ये मैंने लिख लिया टी टू, क्योंकि दोनों बार स्पीड अलग है, तो स्पीड अलग है तो टाइम भी अलग होगा, डिस्टेंस तो सेम है. तुम्हारा एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. डिस्टेंस हमें कितना दिया है? एक बार डी, एक बार ए बी, दूसरी बार बी ए. इसको मैं ऐसे लिखता हूं, बी ए बी इक्वल टू बी डी इक्वल टू बी अपॉन टी वन प्लस टी टू. अब टी वन टी टू कैसे निकालेंगे? डी अपॉन स्पीड वन और डी अपॉन स्पीड टू. डी अपॉन 30, डी अपॉन 45. अब सॉल्व करते हैं. ऊपर डी प्लस डी अपॉन टी वन कितना है? डी अपॉन 30, डी अपॉन 45. ऊपर हो गया 2d, नीचे क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आपका एलसीएम बनेगा 90. 30 और 45 का एलसीएम कितना होगा? 90. यहाँ से इसका हमने क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया. यहाँ पर कितना आएगा? 3d. यहाँ पर कितना आएगा? 2d. क्या बन गया? 2d अपॉन 5d. और ये कहाँ चला गया? ऊपर चला गया. हाँ, मेरा दोनों ही बढ़िया. वो मोबाइल को उसका दिक्कत हो सकता है, किसी दूसरे मोबाइल में मोबाइल का दिक्कत हो सकता है, दिक्कत यहाँ बैठे बैठे स्पीड आ रहा है. वाईफाई का ही मेरा मोबाइल वाईफाई का दिक्कत. किसी और का ले लो. और ये 90 कहाँ चला गया? ऊपर. तो इंटू
90, डी से डी कैंसिल, 5 से इसको कट करेंगे, 1 जा कितना बचा, 4 जा कितना हो गया 18, 18 टू जा 36 किलोमीटर पर आवर। क्लियर सबको? तो कई बार हम यही करते हैं, हम इसको ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं, क्या करते हैं 30 प्लस 45 डिवाइड बाय अभी आगे। मेरा नेट फ्लक्चुएट कर गया था इसलिए चला गया था। क्लियर? यहां पर हम क्या करते थे 75/2, हमको क्या लगता था 37.5 किलोमीटर पर आवर। यस है ना? आवाज आ रही है मेरी सबको? क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? यस सर। ओके, आप कोई रिप्लाई नहीं कर रहे बच्चे, इसलिए मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार, तो प्लीज आप रिप्लाई कर दिया करो। यस ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट किसी को? एनी डाउट क्वेश्चन नंबर 10? एनी डाउट क्वेश्चन नंबर 10? प्रेस 0 अगर किसी को डाउट है तो। सर एक बार करो आप। ठीक है स्नेहा बच्चा, देखो क्वेश्चन नंबर 10। ऑन ए 120 120 meter track, ठीक है, एक ट्रैक दिया है। A train travel first 30 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ दिस, हाउ मच फास्ट शी मस्ट ट्रेवल टू कवर अदर डिस्टेंस। तो ये समझो आपका ट्रैक है A, आपका B, आपका ट्रैक हो। अब इस पे क्या हो रहा है, वो कहीं C पॉइंट है, वो अपने फर्स्ट 30 किलोमीटर, इसका मतलब ये D1 30 किलोमीटर है, स्पीड कितना है 30 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड 1 30 किलोमीटर पर आवर, हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल टू कवर नेक्स्ट 120। ये D2 है आपका, ये उसको 90 किलोमीटर ट्रेवल करना है और हमको V2 निकालना है। उसने पूछा V2 कितना है और उसने आपको क्या दिया है, एवरेज स्पीड आपको दिया है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितना हो गया 60, D1 प्लस D2 अपॉन T1 प्लस T2। ठीक है, अभी देखो T1 कितना होगा, T1 विल बी टाइम कैसे निकालेंगे, अपना स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो T1 इक्वल टू D1 अपॉन S1। D1 कितना है 30, स्पीड कितना है 30, कैंसिल होगा कितना होगा 1। T2 D1 कितना है 90, स्पीड पता है, इसको हमने ले लिया x, ये हो गया x। ठीक है, अब पुट करेंगे वैल्यू, D1 कितना है 30, D2 कितना है 90, ये D1 कितना है 30, D2 कितना है 90, T1 हमने कितना निकाला 1 प्लस T2 कितना निकाला
90 अपॉन x किसके इक्वल है 60। ठीक है, कोई डाउट किसी को यहां तक? एनी डाउट टिल हियर? तो 60 इक्वल टू 120 अपॉन, अब इसको x, यहां पर इसको एलसीएम लेंगे तो नीचे आ गया x, ये x प्लस 90, ये x ऊपर चला गया ऐसा, तो क्या बन गया 60 इक्वल टू 120 x अपॉन x प्लस 90। ठीक है, इसको यहां ले जाते हैं पूरे को तो क्या बन गया, और इसको नीचे ले आते हैं ऐसा, तो x प्लस 90 इक्वल टू 120 अपॉन x अपॉन 60। इसको कट किया तो 2 बचेगा, आपका इक्वेशन कैसा होगा x प्लस 90 इक्वल टू 2x, x को यहां लेके जाओ तो 90 इक्वल टू 2x माइनस x, तो क्या बच गया x, x इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट, कोई शक, पूछ सकते हो आप लोग? ओके, अगले क्वेश्चन पे चले, सारे क्वेश्चंस हो गए कल वाले, चलिए अब आज के टॉपिक पे आते हैं हम लोग, वेलोसिटी। अच्छा, कल मैंने जो होमवर्क और भी दिया था, और कुछ जो होमवर्क भी था ना साथ में, ये वाले क्वेश्चंस कुछ मैंने आपको और भी दिए थे शायद करने के लिए, नोट्स। यस, स्क्रीन दिख रहा सबको? सेम स्क्रीन है ना? स्क्रीन चेंज करना पड़ेगा, एक कार ट्रेवल्स। यस, वन सेकेंड, स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ दूसरे वाला में। यस, अभी देखो क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस में किसी को डाउट है जो मैंने कल आपको दिए थे अलग से कुछ क्वेश्चंस, इसमें भी डाउट हो तो आप प्लीज आप पूछ सकते हो। यस, क्वेश्चन में फर्स्ट में कोई डाउट? एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर वन? नो। एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर टू? क्वेश्चन नंबर सिक्स एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी। वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी होती है बताओ मेरे को फटाफट, दो वेक्टर क्वांटिटी लिखो फटाफट, सेकंड का आंसर। सर डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। यस, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर थ्री में कोई डाउट? नो। क्वेश्चन नंबर फोर में कोई डाउट? नो। क्वेश्चन नंबर फाइव में कोई डाउट? Any doubt in question number 5? All clear question number 5? Sir, एक बार सर एक बार क्वेश्चन नंबर 5 कर लो। 5 स्टेप्स करवा दो, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है उसमें। ऐसे 5 स्टेप केस है। तो एक एंड क्लेम 5 स्टेप केस, ईच ऑफ विथ 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, एक बार यहां पर जाएगी ये 20 और एक बार ये 20, तो कितना हो गया 40। यहां कवर अप करेगी 40, ऐसे कितने बार करेगी 5 टाइम्स करेगी, तो 40 इंटू 5 कितना हो गया 200 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो गया 200 सेंटीमीटर, ये आपका क्या आ गया डिस्टेंस आ गया। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अभी देखो ये चीटी यहां पर थी, ये हमको पता लगेगा और ये हमको पता लगेगा, क्योंकि देखो ये दिस डिस्टेंस कितना है 20 है, ये भी 20 है और ये भी 20, तो यहां से यहां तक ये आपका कितना होगा, ये 20 है, सॉरी ये 20, तो ये आपका कितना होगा 100 सेंटीमीटर, और हाइट भी कितना चढ़ी 10, सॉरी अच्छा 20 20 है ना, हाँ ये 20, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20 और ये भी 20, तो ये भी कितना हो गया 100 सेंटीमीटर। अब चीटी यहां पर पहुंच गई है, कहां से चली थी यहां तक, तो हम क्या निकालेंगे इसमें पाइथागोरस, तो ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी, हमको ए सी स्क्वायर निकालना, ए सी इक्वल टू अंडर रूट, किसी का माइक ऑन है तो प्लीज माइक ऑफ कर दो,
मैं हमेशा कहता हूँ आपका AC इक्वल टू अंडर रूट 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, आपका AC इक्वल टू आ जाएगा 100 रूट 2 सेंटीमीटर। क्लियर अभी सबको आया सबको समझ में, है ना? चीटी यहां से चल रही है, यहां गई यहां गई यहां गई यहां गई, ऐसे चले तो हमारे लिए कैसे बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा ऐसा ट्रायंगल। तो हमको तो ये पता है ना उसने विड्थ कवरअप किए उसने हाइट कवरअप किया। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपको जो एमसीक्यू होते हैं उसमें पूछा जा सकता है, टफ नहीं है बट इजी है। चलो अगला क्वेश्चन, एन इंसेक्ट मूव अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो पहले एक सर्किल बना लेते हैं, हमारा सर्किल हो गया, इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, इसके मूव अलोंग इसके सर्कल, अगर समझो ये अपर आपका चीटी था ए एंट यहां से था, वो ऐसे घूम रहा है इसके अंदर, ऐसे घूमता है, इसका रेडियस उसने आपको दिया 10 सेंटीमीटर, दिस इज योर रेडियस 10 सेंटीमीटर। इट टेक 1 मिनट टू मूव फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द पाथ ऑफ डायग्रामेटली ऑपोजिट पॉइंट। अगर समझो यहां से चली और यहां पर आ गई एकदम डायग्रामेटली ऑपोजिट बी पॉइंट पे, लिखा ना, इट टेक्स 1 मिनट टू मूव फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द पाथ टू द डायग्रामेटिकली ऑपोजिट पॉइंट। अगर वो यहां से चलना शुरू करती है तो डायग्रामेटर वो बी पे पहुंच जाती है। फाइंड द डिस्टेंस कवर, तो हमको ये डिस्टेंस निकालना है यहां से लेके यहां तक। तो क्या होता है, कल आपको मैंने बताया था सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, है ना? उसने क्या कवरअप किया, सेमी सर्कल कवरअप किया, कितना होता है सेमी सर्कल, याद है किसी को सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है? यस यस प्लीज रिप्लाई, चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। आप लोग का रिप्लाई काफी, आप लोग रिप्लाई आज काफी कम करो, क्या बात है? खाना वगैरह नहीं खाया क्या सब लोगों ने? यस पाया, तो पाई कितनी वैल्यू हमको पता है, 22/7 × 10, तो 220/7 सेंटीमीटर, ये फर्स्ट आंसर होगा। सेकेंड डिस्प्लेसमेंट, यस सेकेंड बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कौन सा डिस्टेंस होगा, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, जब यहां से चली डायरेक्ट ऐसे आई सीधा, मतलब डायमीटर, यस ए बी और डायमीटर, डायमीटर सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, वो कितना आपका आ गया 10 + 10 = 20 सेंटीमीटर। जहां एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो क्या आता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, जब एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो 20 अपॉन टाइम कितना है 1 मिनट, अपॉन 1 मिनट या 60 सेकेंड, या आपका हो गया सेंटीमीटर या आपका हो गया सेकेंड, तो 1/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका एवरेज वेलोसिटी आ गया। स्टूडेंट कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? आगे चले, एनी डाउट क्वेश्चन नंबर 7? एनी डाउट क्वेश्चन नंबर 7? यस। एनी डाउट क्वेश्चन नंबर 8? 8 में कोई डाउट है किसी को? ऑल क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, चलो गुड, तो बोले ये वाला टॉपिक आपका क्लियर हो गया। अब हम अगले टॉपिक पे चलेंगे, आज हम पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में, ठीक है? तो लास्ट वीक हमने मोशन चैप्टर स्टार्ट किया था, मोशन चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था,
हमने मोशन पढ़ा था, दो तरह के मोशन होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और हमने उसके बाद पढ़ा था स्पीड, स्पीड पढ़ा हमने, एवरेज स्पीड पढ़ा है, हमने डिस्टेंस पढ़ा था, हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस में केवल मैग्नीट्यूड देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देखते हैं। स्पीड जो कनेक्ट होता है वो किसे, डिस्टेंस से कनेक्टेड होता है, इसलिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को किस में मेजरमेंट करते हैं, स्पीडोमीटर में। डिस्टेंस किस में मेजरमेंट करते हैं, ओडोमीटर से। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी। अब हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, हल्का सा थ्योरी पढ़ लेते पहले। तो वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन गिवन टाइम इन द गिवन डायरेक्शन। देखो ठीक है, डिस्टेंस की बात हो रही है, पर किसके साथ में, डायरेक्शन की बात हो रही है। इसका मतलब, इसको आप क्या लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो। तो वेक्टर इज ए, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो जिस तरह दो तरह के मोशन थे, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसी तरह आपकी दो तरह की वेलोसिटी होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का सेम चीज, जब ए बॉडी ट्रेवल करती है क्या, इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हाँ, बॉडी ऐसे ऐसे जा सकती है, ऐसे घूम सकती है, ठीक है, पर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर इक्वल टाइम। ठीक है, सर्किल पे भी घूम रही है, मान लो सर्किल पे घूम रही है, और अगर इक्वल डिस्टेंस, जैसे समझो ये सर्किल है और ये सर्किल आपका 50 सेंटीमीटर का है, और इस 50 सेंटीमीटर को वो 2 सेकंड में कवर अप कर रही है बार बार, ऐसे ही उसको बार बार चल रही है, इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी ट्रेवल कर रही है। अब यहाँ पर वेलोसिटी क्यों आएगी, उसका डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है। तो अगर सर्कुलर पाथ पे भी अगर ट्रेवल करती है, पर पाथ को ट्रेवल करने में भी अगर सेम टाइम लेती है, जैसे आपकी घड़ी क्लॉक, क्लॉक की जो सुइयां होती है वो बेस्ट एग्जांपल होता है, सेकंड की सुई उसी अपने उसी वही डिस्टेंस कवर अप करती है, टाइम सेम लगा, मिनट की सुई डिस्टेंस सेम, स्पीड सेम, आवर की सुई डिस्टेंस सेम, स्पीड सेम, किसका, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जितने भी इसके हैंड्स होते हैं, हैंड्स ऑफ क्लॉक, ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब ए बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम तो सेम है, 1 सेकंड में कभी 20 किलोमीटर पर आवर, कभी 25 किलोमीटर पर आवर। बोथ स्पीड एंड वेलोसिटी आर मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर, ये स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं, याद रखना। जब भी आप कभी भी आंसर लिखोगे, आप इसमें से किसी भी एक फॉर्मेट में लिख सकते हो, या तो मीटर पर सेकंड में आंसर निकालो, या आप सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालो, या आप किलोमीटर पर आवर में निकालो, ये आपके स्टैंडर्ड होते हैं। आप इन तीनों चीजों में आंसर लिखोगे ना, टीचर आपको मार्क्स देगा ही देगा। अगर कन्वर्ट करने को बोला जाए, भाई मीटर को, मीटर पर सेकंड को मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करो, तो अलग बात है। लेकिन अगर आपको किसी क्वेश्चन में, अगर आपको टाइम किसमें दे दिया, अगर आपको समझो टाइम दे दिया उसने मिनट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस मिनट को आपको सबसे पहले सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। जब इसको सेकंड में चेंज करोगे तब इसको सॉल्व, हमेशा याद रखना। तो कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर मिनट दिया है उसको किस में चेंज कर दो, या तो सेकंड में चेंज कर दो, या फिर उसको आप आवर में भी चेंज कर सकते, याद रखना। अगर आपको समझो मिलीमीटर में दिया हो, डेसीमीटर में दिया हो, आपको डेकामीटर में दिया हो, ऐसे कई टाइप की यूनिट होती है, तो इसको क्या करो, मीटर में चेंज कर लो, किलोमीटर में चेंज कर लो, सेंटीमीटर में चेंज कर लो, ये सब स्टैंडर्ड हो, हमेशा याद रखना, ठीक है। ओके, आपका एवरेज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे काउंट होती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। उस केस में क्या था, जब एवरेज स्पीड निकालते थे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यहां पर आपका क्या आ गया, इनिशियल वेलोसिटी और आपका फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। तो दोनों का फॉर्मूला अलग रहता है, याद रखना। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। स्पीड स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव नॉर बी जीरो। अगर मोशन होगा, अगर मोशन है तो स्पीड जीरो नहीं हो सकती, स्पीड नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती। बट वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो ऑल्सो, इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो। क्यों,
बिकॉज आपका ये डिस्प्लेसमेंट से कनेक्टेड है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, तो वेलोसिटी भी जीरो जो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है। स्पीड इज वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन, सेम वही चीज है, वेलोसिटी इज डायरेक्टेड स्पीड, इसको अलग भाषा में लिख सकते हो। स्पीड क्या है, स्पीड को वेलोसिटी कह सकते हो कब, जब आपको डायरेक्शन ना बताए। मैं यहां से डिगी जा रहा हूं 5 किलोमीटर पर आवर, डायरेक्शन नहीं बताया, क्या बन गया, स्पीड बन गया। और वेलोसिटी क्या है, इज द डायरेक्टेड स्पीड, मैं आपको को यहां से मैं डिगी गया 5 किलोमीटर पर आवर वेस्ट डायरेक्शन, तो वही स्पीड आपकी क्या बन गई, वेलोसिटी बन गई। स्पीड मे और मे नॉट बी इक्वल टू वेलोसिटी, जरूरी नहीं कि आपका स्पीड वेलोसिटी के इक्वल हो, ठीक है। ओके, तो ए बॉडी मे पजेस डिफरेंट वेलोसिटी बट सेम स्पीड, ठीक है। तो किसी बॉडी की डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी हो सकती हो, गाड़ी चली फिर उसकी स्पीड बढ़ गई, फिर उसकी स्पीड कम हो गई, फिर स्पीड बढ़ गई, स्पीड कम हो गई, उसने डायरेक्शन चेंज कर ली, है ना। तो इसके इसमें क्या होगा, अगर आप जैसे गाड़ी चला उसने, देखो आपकी स्पीडोमीटर तो क्या बताएगा, 60 किलोमीटर पर आवर, तब बोलोगे भाई मैं तो 60 किलोमीटर पर की स्पीड से चल रहा हूँ, बट जब वेलोसिटी कैलकुलेट करो तो वेलोसिटी आपका डिफरेंट आएगा। तो इसका 4 पॉइंट अगर आपको कहीं पूछा है तो अभी 4 पॉइंट आराम से लिख सकते हो, चारों बहुत इजीली, गॉट इट, कोई डाउट इसमें, एनी डाउट आप पूछ सकते हो, है कोई डाउट इसमें, तो आज का होमवर्क नोट डाउन करो, अपनी जो बुकलेट है, अब वापस बुकलेट पे आता हूं मैं, तो बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 12, 13, ये आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, आइसोलेशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ये हो गया करो 12 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, यस। अब कुछ क्वेश्चंस ये भी आपके लिए हैं, ये भी आपको भेज दूंगा मैं, अब कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। अंडर व्हाट कंडीशंस, ये क्वेश्चन कई बार एक नंबर पूछा है, अंडर व्हाट कंडीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, थैंक यू, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी बुकलेट और क्वेश्चन नंबर 13, और भी क्वेश्चन आपको दूंगा होमवर्क के लिए, डोंट वरी, ठीक है। अंडर व्हाट, बाकी क्वेश्चन आपको मैं बाद में भेज दूंगा, ठीक है। ओके, मैं आपको बुकलेट भेज देता हूँ बच्चा। अंडर व्हाट कंडीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड, क्या एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी हो सकती है क्या, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसने कहा यस, इट कैन बी पॉसिबल, क्यों, स्पीड आपका किससे कनेक्टेड है, डिस्टेंस, वेलोसिटी किससे कनेक्टेड है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होते हैं, जब गाड़ी किसी डायरेक्शन में चेंज ना करे, अगर स्ट्रेट लाइन पे जा रही है, स्ट्रेट पाथ पे जा रही है, दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर किया, दोनों ने सेम टाइम यूज किया, बट उसने डायरेक्शन चेंज नहीं किया, उस केस में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, हमेशा रखना, ठीक है। तो इफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, है ना, इफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज सेम एज द डिस्प्लेसमेंट, मैं यहां से चला ए से और बी पे गया, एकदम सीधे गया यहां से यहां तक, ठीक है, मुझे यहां से आने में लगे 5 मिनट, अगर मैंने डायरेक्शन ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, मैं यहां तक की बात कर रहा हूं, एकदम स्ट्रेट गया से, तो मेरा डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। जब मैं स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता हूं सेम स्पीड से, सेम टाइम से, उस टाइम आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं, उस टाइम आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं, कब, जब उसने डायरेक्शन चेंज ना किया हो, ऐसा ना घूमा हो, ऐसा वो स्ट्रेट जा रहे एकदम स्ट्रेट पाथ, उसके इसमें क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, उसी केस में आपका एवरेज स्पीड इक्वल टू रहता है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। इफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज सेम एज इट डिस्प्लेसमेंट देन इट्स एवरेज स्पीड वुड इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी, हमेशा याद रखना। तो जब आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाए, वो कब होगा, जब हम चल रहे हैं बट हमने डायरेक्शन चेंज नहीं किया है, याद रखना, क्लियर अभी सबको, ये तो ओडोमीटर हमने कर लिया था, ओडोमीटर किस लिए यूज करते हैं, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसके, एग्री, आगे चले। व्हाट डज द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन द यूनिफॉर्म मोशन,
जब हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखें, सब एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है। जब हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तब उस ऑब्जेक्ट का पाथ क्या होगा? तो नेचुरल सी बात है, जब भी हम लोग यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, जब भी नॉर्मल केस में, वो एक स्ट्रेट लाइन ही होता है। क्यों? अगर मैं ऐसे चल रहा हूं स्ट्रेट, तभी हो सकता मैं अपनी स्पीड को कॉन्स्टेंट मेंटेन कर सकता, या मैं इक्वल डिस्टेंस में, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर अप कर सकता। लेकिन जैसे ही मैंने हल्का सा भी टर्न मारना स्टार्ट कर दिया, अगर मैं समझो ऐसा घूमने लग, अब क्या होगा, जैसे ही मैं इस कॉर्नर पे पहुंचूंगा मुझे अपना स्पीड कम करना पड़ेगा। मैं फिर आगे जाऊंगा, मैंने अपना स्पीड बढ़ा दिया, कॉर्नर आया, फिर अपना स्पीड कम कर। तो जहां भी आपका कर्व पाथ आ जाता है, जहां भी आपका कर्व पाथ आ जाता है, कर्व आ गया, ठीक, हो सकता है आपको कम टाइम लगे ज्यादा डिस्टेंस कवर कर, हो भी सकता है, ठीक है। जैसे आपका जाम लगा हुआ है, 5 मिनट आप जाम में खड़े हो, तो आपने टाइम तो वेस्ट किया है, बट आप वहीं के वहीं खड़े हो, या आप हाईवे पे गए बहुत फास्ट आप भाग रहे, तो कम टाइम में आप ज्यादा डिस्टेंस भी आप कवर अप कर सकते हो, ठीक है। तो मोशन हैविंग यूनिफॉर्म मोशन कब होता है? जब वो स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस हम लोग कवर अप करते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलने वाला क्वेश्चन आप ट्राई करो सब लोग, क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो, ट्राई क्वेश्चन नंबर 5, स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स, व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन? द सिग्नल ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ द लाइट 3×10⁸ m/s। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। यहां पर आपको क्या दिया है? आपको स्पीड दिया है, और आपको क्या दिया है? टाइम दिया है। आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डी इक्वल टू एस इनटू टी। चलो करो जल्दी फटाफट। आपको टाइम किस में दिया है? मिनट में दिया है। आपको डिस्टेंस निकालना है, या तो मीटर में निकालो या फिर आप किलोमीटर में निकालो, या तो मीटर में निकालिए या किलोमीटर में निकालिए। (9×10⁻¹⁰ m). गुड। बाकी स्टूडेंट बाकी लोग भी रिप्लाई करो। अथर भाई कैलकुलेशन चेक करो, बहुत गड़बड़ कैलकुलेशन है, ना मीटर लिखा ना किलोमीटर लिखा ना सेंटीमीटर लिखा तुमने तो। 5 मिनट में है टाइम आपका, 5 मिनट है, स्पीड आपका 3×10⁸ m/s है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, गड़बड़ी इतनी बेकार कैलकुलेशन किया आपने। यस, आर्या का करेक्ट है, नेहा का करेक्ट है, बाकी लोग भी जल्दी ट्राई करो। देखो यहाँ पर भी आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 5 मिनट को मैंने आपको कहा था उसको किस में चेंज करेंगे? सेकंड्स में। आप आवर में भी चेंज कर सकते हो, सेकंड में भी आप इसको चेंज कर सकते हो। स्पीड आपको दिया है 3×10⁸ m/s, जिसको बोलते हैं स्पीड ऑफ द लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इसी को कहा जाता है। स्पीड कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम, तो टाइम क्या, डिस्टेंस क्या हो गया? स्पीड इंटू टाइम। ये आपका स्पीड था 3×10⁸ m/s, तो मतलब 9×10⁰¹⁰ m। किलोमीटर में कैसे लिखेंगे? 9×10⁰ कितना कम हो जाएगा? 7 किलोमीटर। इसका मतलब स्पेस क्राफ्ट जो है, स्पेसशिप जो है, स्पेस में इतना किलोमीटर दूर है अर्थ की रेडियस,
ठीक है, क्लियर सबको? क्लियर? यस ओके, और कोई क्वेश्चंस है वो भी देख लेता हूं मैं एक बार। यस चलो, ये वाला क्वेश्चन ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, कुछ पेज नंबर 100 पे आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है कुछ। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट ने कोई डिस्टेंस कवर अप किया, कैन इट हैज जीरो डिस्टेंस, इफ यस गिव सपोर्ट योर आंसर। बिल्कुल सही बात है, मैं ए से गया बी पर, यहां पर उसने पूछा क्या मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। यस yes, कब हो सकता है? जब मैं वापस यहां से अब वापस आ गया तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। यस एन ऑब्जेक्ट कैन हैज जीरो डिस्प्लेसमेंट इवन व्हेन इट इज मूव थ्रू ए डिस्टेंस, दिस हैपन व्हेन फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कोइंसिडेंस विद द इनिशियल पोजीशन। फॉर एग्जांपल, ए पर्सन मूव अराउंड अ पार्क and stand on the place where he started, then has some displacement. Circle भी आप बना सकते हैं। मैं यहाँ से चला A point से, इसको पूरा मैंने ऐसे travel किया और वापस कहाँ पहुँच गया यहाँ पर? तो भाई मैंने distance तो travel किया, yes distance तो मैंने travel किया है, but मेरा displacement क्या हो गया? Zero। Yes, ठीक है। चलो आपका फार्मूला, ये आपका फार्मूला वाला क्वेश्चन है, ये भी आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2 नोट करो आपका एनसीईआरटी बुक में, ये क्वेश्चन है पेज नंबर 100 आपका एनसीईआरटी बुक का, आपका एनसीईआरटी का पेज नंबर 100 क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका होमवर्क है। थर्ड क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, होमवर्क नोट करते चलो। ये भी आपका होमवर्क है, ये तो आपने लिख लिया, ये होमवर्क नहीं है आपका, सो आप कैंसिल करो, ये आप कर चुके हो पहले। ये आपका होमवर्क है अंडर व्हाट कंडीशंस, ये मोस्टली हमने सारे कवर अप कर लिए, ये भी आपका होमवर्क, ये हमने कर ली, ये भी हमने कर लिया, ये भी आपका होमवर्क नहीं है, ये भी हमने कर लिया है, ये भी हमने कर लिया है। मैं आपको क्वेश्चंस भेजूंगा कुछ, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस भेजूंगा बाकी करने के लिए, जैसे मैंने आपको कल क्वेश्चन भेजे थे मैं आपको वैसे ही कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, अगर अपना सैटरडे क्लास रहेगा तो उसमें ही रहेगा, ठीक है। यस आज के कंसेप्ट में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन तो आप लोग पूछ सकते हो, एनी डाउट? आज जो पढ़ाया उसमें कोई डाउट, किसी तरह का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? तो हम धीरे धीरे चलेंगे, भागने की हमको जरूरत नहीं, सितंबर पूरा बाकी है हमारे पास, अक्टूबर पूरा बाकी है, इस महीने हमारा हमसे फिजिक्स पढ़ेंगे पूरे महीने और अगले महीने हम लोग सर हमारे स्कूल में PT1 के बाद डायरेक्टली PT2 रखे और बोले PT2 के बाद S1 रखने वाले। हाँ ठीक है ना, जैसे भी रखेंगे। तो आपका कोर्स तो हो गया ना आराम से, अभी हम रिविजन ही तो चलेगी, ठीक है ना? जब आपको पढ़ा सब दिया है, आप क्या ना, हम देखो टर्म 1 की तैयारी करेंगे, टर्म 1 आपके लोगों के लिए सबके लिए इम्पोर्टेंट है, एग्री ना? यस सर। तो टर्म वर्क आपका मैक्स